अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उनसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देखकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कर भी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। घटना पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है अंधे बहरे गूंगे बनकर। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो, मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पैर पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना इस सफलता का सूत्र है। किसी को खोकर भी देख लिया, ये जान लिया कि जिंदगी वही जीत सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा आंखों में पानी। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता, अनुभव आपको सीखा देते। अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, स्वर से नहीं, ईश्वर को माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा स्वर्ग गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। इस जिंदगी में उत्साह लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते जिसमें मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो। उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया किसी को पा। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते।
जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की इच्छाओं पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुरा ही पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करें। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा, हम ये कभी नहीं सोचते हैं। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान।